हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन होट थ्री टू वन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेक्चर फोर्टीन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन दिस लेक्चर आई विल कवर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन पिछले लेक्चर के अंदर हम अपने प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा था कि जो उसके सिद्धांत है फल परिरक्षण के जा खाद्य परिरक्षण के उनको अपने उसमें कवर किया था आज जो अपना टॉपिक है इसमें अपने जो विधियाँ हैं जहाँ तरीक़े हैं खाद्य परिरक्षण के उनको कवर करेंगे तो पहले जितने भी अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं क्योंकि लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इसलिए हो सकता है मैं इसका वन सेकंड पार्ट भी इसका कर दूं क्योंकि आधा आधा कर दूं वीडियो को तो सेकंड पार्ट में आधे होंगे तो पहला है प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर प्रिजर्वेशन मतलब वही परिरक्षण ज़्यादा तापमान से परिरक्षण इसमें तीन कैटेगरी अपने आगे पढ़ेंगे पास्चुराइजेशन लेस देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मतलब सौ डिग्री से कम तापमान पर जिस पास्चुराइजेशन कहते हैं इसमें दो मेथड होंगे एच टी एस टी मैथड और एल टी एच टी मैथड जी अपने इसमें पढ़ेंगे फिर है एट अबाउट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग सौ डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको बॉयलिंग भी कह सकते हो ठीक है कई किताबों में बॉयलिंग लिखा हुआ है इसे फिर है तीसरा जो है स्टर्लाइजेशन अबाउट हंड्रेड डिग्री सॉरी अबब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस लगभग सौ डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जहाँ कह लो कि सौ डिग्री से ज़्यादा जो तापमान है उस पर स्टर्लाइजेशन कहते हैं इसे निर्जमीकरण ठीक है इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे अपने प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर लो जहाँ कह लो कि कम तापमान से परिरक्षण इसमें पहला जो मेथड uh, आएगा रेफ्रिजरेशन आएगा फिर फ्रीजिंग आएगा दो होगा ठीक है फिर अपने पढ़ेंगे तीसरा जो मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग ड्राइंग सुखाकर परिरक्षण करना ठीक है इसमें अपने दो मेथड होते हैं वैसे एप्लीकेशन ऑफ हीट और बाइंडिंग ऑफ मॉइस्चर इन फूड एक तो हीट के द्वारा उस फूड को सुखाना दूसरा उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको बाइंड करना और हीट के द्वारा जो करते हैं उसमें सन ड्राइंग मैकेनिकल ड्राइंग वैक्यूम ड्राइंग फ्रिज ड्राइंग इसको अपने कवर करेंगे और बाइंडिंग ऑफ मॉइस्चर इन फूड ये यूज ऑफ शुगर और साल्ट देखेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट होगा प्रिजर्वेशन बाई फिल्ट्रेशन उसके बाद प्रिजर्वेशन बाई यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिवस ठीक है फिल्ट्रेशन समझी होगा फिल्ट्रेशन होता है शाना या निस्पंदन कह देते हैं ठीक है उसके द्वारा परिरक्षण करना फिर है केमिकल प्रिजर्वेटिव जैसे के एम एस है सोडियम बैंजोट एसओ टू जो इनसे जो भी परिरक्षण प्रि, किया जाता है ठीक है केमिकल प्रिजर्वेटिव है या फिर कोई और प्रिजर्वेटिव है यूज़ किया जाता है उसके द्वारा प्रिजर्वेशन करना फिर प्रिजर्वेशन बाय यूज़ ऑफ़ फूड एडेटिव फूड एडेटिव के द्वारा जहाँ कह लो कि जो उसके अंदर जोड़े जाते हैं या जा फूड के ही अंग होते हैं उनके द्वारा जैसे शुगर है सॉल्ट है एसिड है विनेगार है इसके द्वारा आ, प्रिजर्वेशन करना फिर है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल तेल के से परिरक्षण करना तेल के द्वारा ठीक है प्रिजर्वेशन बाय फर्मेंटेशन किन्वन uh, जो होता है उसके द्वारा परिरक्षण करना फिर है प्रिजर्वेशन बाय कार्बोनेशन कार्बोनेशन जो एक uh, क्रिया है ठीक है उसके द्वारा प्रिजर्वेशन करना प्रिजर्वेशन बाय एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक के द्वारा परिरक्षण करना फिर है रेडिएशन या कह लो इरेडिएशन ठीक है प्रिजर्वेशन बाय इरेडिएशन उसके द्वारा uh, परिरक्षण करना तो एक एक करके अपने स्टार्ट करते हैं पहला है प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर ज़्यादा तापमान से खाद्य परिरक्षण करना ठीक है ज़्यादा तापमान देकर उसको द यूज़ ऑफ हीट ऑन फूड डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वेर विद जो हीट है उसका यूज़ फूड के अंदर खाद्य पदार्थों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने के लिए किया जाता है एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो होता है वो वेरीज करता है कि भाई कितना ट्रीटमेंट कि देना है द ऑर्गेनिज्म टू बी किल्ड जो भी माइक्रो uh, ऑर्गेनिजम्स है जहाँ सूक्ष्म जीव है फंगस है मोल्ड है uh, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अपने किसको मारना है इसके अलावा द नेचर ऑफ़ द फूड टू बी प्रिजर्व जो फूड है उसके नेचर के ऊपर भी ये डिपेंड uh, करता है कि फूड कैसा है लिक्विड फॉर्म में है या फिर वो हार्ड या ठोस है ठीक है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसके अलावा अदर मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन इंस्टेड ऑफ टू बी यूज इन एडिशन टू हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के अलावा जो दूसरे मैथड प्रिजर्वेशन के मैथड यूज करने हैं अपने क्योंकि ऐसा तो है ना कि हीट दे दी उसके बाद और कोई मेथड ही यूज नहीं करना तो उसके बाद कौन सा मेथड यूज करना है अपने उसमें ऑयल डालना है उसमें कोई ब्राइन यूज़ करना है उसमें कोई सिरप यूज करना है या या फिर उसको उसको कोल्ड फ्रीजिंग के अंदर यूज प्रिजर्व करना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है फिर है पहला इसके अंदर पास्चुराइजेशन ठीक है पास्चुराइजेशन लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहला जो हीट के द्वारा करते हैं उसमें पास्चराइजेशन आ जाता है ठीक है तो इसमें 100 डिग्री से कम तापमान पर किया जाता है और एग्जाम्पल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मिल्क है दूध का पास्चुराइजेशन किया जाता है पास्चुराइजेशन इज़ ए हीट ट्रीटमेंट दैट किल्स सम बट नॉट ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रजेंट इन द फूड एंड द टेम्परेचर इज कीप्ड बिलो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पास्चुराइजेशन जो है वो एक कह लो कि हीट का ट्रीटमेंट है जिसके अंदर कह लो सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नहीं मरते कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं मर जाते हैं परंतु सारे नहीं ठीक है और इसमें जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है हीटिंग इज गिवन बाय मीन्स ऑफ स्टीम हॉट वाटर ड्राई हीट और इलेक्ट्रिक करंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर कूल्ड इमीडिएटली आफ्टर हीट ट्रीटमेंट इसमें जो हीट की जाती है या जा कह लो कि उस प्रोडक्ट को गर्म किया जाता है वो जहाँ तो आ, स्टीम जो होती है भाप उसके द्वारा किया जाता है मतलब उसका 100 डिग्री से कम तापमान जहाँ उस चीज़ को गर्म करना जहाँ फिर हॉट वाटर जो गर्म पानी होता है उससे उस प्रोडक्ट का तापमान बढ़ाया जाता है मतलब उसमें डुबो दिया जाता है या जा स्नान करा दिया जाता है या जा फिर ड्राई सूखी हीट के द्वारा या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके द्वारा उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है और इसके बाद जस्ट बाद जैसे ही उसको हीट कर दिया जाता है तुरंत बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं ठीक है इफ़ स्पॉइलेज इज टू बी अवॉइडेड द रिमेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इनिबिटेड बाय लो टेम्परेचर और बाय सम अदर प्रिजर्वेटिव मेथड्स अगर अपने चाहते हैं कि जो स्पॉइलेज है उसको अपने बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं हटाना चाहते हैं तो जो भी सूक्ष्म जीव बच जाते हैं रिमेनिंग सूक्ष्म जीव्स होते हैं ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने आ, कम तापमान के द्वारा इनहिबिट कर देते हैं या फिर कोई और जो मेथड है प्रिजर्वेटिव का उसको यूज करके उनको उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं मतलब उनकी वृद्धि को धीमा कर दिया जाता है जिससे कि आपका जो भी फूड प्रोडक्ट है वो स्पॉइल ना हो ठीक है मतलब आपको पहले मैंने बताया कि पास्चुराइजेशन के अंदर सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं होते क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री तक नहीं जाता उससे कम रहता है इसके साथ में कोई दूसरा मेथड जैसे कोल्ड स्टोरेज वाला यूज करके आप जो उसमें स्पोलेज uh, होती है उसको अपने अवॉइड कर सकते हैं हटा सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद है प्रिजर्व प्रिजर्वेटिव मेथड्स यूज टू कंप्लीट पॉस्चुराइजेशन इंक्लूड्स जो प्रिजर्वेटिव मेथड्स हैं जिसके द्वारा पास्चुराइजेशन को कंप्लीट किया जाता है मतलब ये कह लो कि पास्चुराइजेशन अपने आप में पूर्ण नहीं है उसके बाद में भी कुछ ना कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव मेथड यूज़ किए जाते हैं जिससे कि फूड प्रिजर्व रहे लंबे टाइम तक स्टोर पड़ा रहे जहाँ सेफ पड़ा रहे ठीक है इसके लिए जैसे मिल्क के अंदर रेफ्रिजरेशन यूज होता है अपने डेयरी के अंदर पहले क्या होता है कि उस मिल्क का पॉस्चुराइजेशन किया जाता है एकदम से उसको लगभग सत्तर अस्सी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं दूध को उसके बाद उसको एकदम से ठंडा करके थैलियों के अंदर बंद करके एक रेफ्रिजरेटेड बैन के अंदर उसको रख दिया जाता है ठीक है जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यही किया जाता है इसके अलावा दूसरा है पैकेजिंग पैकेजिंग द प्रोडक्ट यूजली इन ए सील्ड कंटेनर टू कीप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट जो पैकेज होते हैं उनको इस तरीके से सील किया जाता है कि उसमें कोई भी कंटामिनेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंदर ना जाए मतलब एक एयर टाइटली उसको सील कर दिया जाता है इसके अलावा एम्पटिंग कंटेनर्स अंडर एनरोबिक कंडीशन मेंटेनिंग दम एयर टाइटली और जो एक कह लो कि एविक्वेटिंग जहाँ कह लो कि एम्पटिंग जहाँ कह लो कि जो डिब्बा है उसको uh, खाली कर दिया जाता है उसके अंदर जो हवा रह जाती है एयर रह जाती है उसको खाली कर दिया जाता है उसकी हवा को खींच लिया जाता है एक एनोरोबिक कंडीशन पैदा कर दी जाती है और उसको मेंटेन किया जाता है एयर टाइटली मतलब उसके अंदर हवा घुसने ही नहीं दी जाती इस तरीके से उसको सील बंद कर दिया जाता है ढक्कन लगा दिया जाता है इसके अलावा गिविंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर सचै स्वीट कंसन कंडेंस मिल्क इसके अलावा उसमें आप मतलब जैसे पास्चुराइजेशन किया पास्चुराइजेशन से अलावा उसमें शुगर मिला दो और जिससे क्या होता है कि जैसे एक अपने मीठा दूध आता है जैसे अमूल के बोतलों के अंदर दूध आता है मीठा स्वीट एंड कंडेंस मिल्क आता है ठीक है तो वैसा बना सकते हो इसके अलावा गिविंग केमिकल प्रिजर्वेटिव एग्जाम्पल इक्जा, यूज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ऑन पिकल्स इसके अलावा आप केमिकल प्रिजर्वेटिव भी यूज़ कर सकते हो या फिर जैसे पिकल्स के अंदर अपने ऑर्गेनिक एसिड यूज करते हैं वैसा भी कर सकते हो ठीक है जैसे सरसों का तेल डाल देते हैं सॉरी एसिड जैसे सॉरी ये विनेगार है उसको डाल देते हैं तो जिससे कि अचार होता है वो ख़राब नहीं होता उसको भी यूज किया जा सकता है फिर अब पाश्चुराइजेशन मेथड्स पाश्चराइजेशन के दो मेथड होते हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इनके अंदर से कभी कभी ना छोटी छोटी डेफिनेशन आती है जैसे पाश्चुराइजेशन क्या है ठीक है और जैसे एच टी एस टी मैथड क्या है जहाँ एस टी एस टी क्या है

इसको होल्डिंग मेथड भी कह देती हैं और इसमें टेम्परेचर लगभग सिक्सटी से 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है उस प्रोडक्ट का और जो पहला था उसमें सत्तर डिग्री से ज़्यादा तापमान रखा जाता है जिससे कि थोड़े टाइम के लिए देना पड़ता है और फिर ठंडा कर दिया जाता है प्रोडक्ट को फिर है दूसरा जो इसी के अंदर पास्चुराइजेशन के बाद एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ इसको बॉइलिंग कह सकते हो सौ डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है उसी तापमान पे आप बॉइलिंग कह सकते हो उस चीज़ को ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज अचीव बाय बॉइलिंग ए लिक्विड फूड इमर्जिंग ए कंटेनर ऑफ फूड इन बॉइलिंग वाटर और बाय एक्सपोजिंग इट टू फ्लोविंग स्टीम इस 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को आ, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर जहाँ कोई लिक्विड प्रोडक्ट है तो उसको उबाल कर इसको अचीव किया जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है जहाँ फिर जो कोई कंटेनर में फूड है कंटेनर के अंदर है तो उसको उबलते हुए पानी के अंदर डालकर या फिर आ, उस कंटेनर को बहती हुई हवा के अंदर गर्म हवा के अंदर उसको रखकर इस टेम्परेचर को अचीव किया जाता है मतलब सौ डिग्री का जो तापमान है उसे सम वेरी एसिटिक फूड्स फॉर एग्जाम्पल शोर कार्ट आर फर्स्ट प्री हीटेड टू ए टेम्परेचर स्लाइटली बिलो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पैकेज हॉट एंड डू नॉट नीड टू बी प्रोसेस्ड विद मोर हीट Uh, कुछ जो एसिडिक फूड्स होते हैं मतलब जिनमें कह लो कि एसिडिटी ज़्यादा होती है जैसे जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं मतलब फलों से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं और जैसे जहाँ फिर uh, क्वार्ट है एक uh, गोभी से बनता है ठीक है पता गोभी से बनता है तो और ये पहले इसको प्री हीट दिया जाता है लगभग सौ डिग्री से कम तापमान पर इसको थो, uh, कम थोड़े टाइम तक इसको हीट करते हैं क्योंकि ये एक एसिडिक फूड है तो ज़्यादातर जितने भी एसिटिक फूड होते हैं उनको पॉस्चराइज़ किया जाता है ना कि स्टरलाइज किया जाता है स्टरलाइज ज़्यादातर जो सब्जियों से होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है जबकि शोहर को आर्ट भी एक वैसे तो सब्जियों से बनता है पर इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर इसीलिए इसको कम तापमान पर एक तरीके से पास्चुराइज किया जाता है ठीक है उसके बाद उसको गर्म गर्म को ही ठंडा नहीं करते उसको गर्म गर्म को ही डिब्बों के अंदर बंद कर देते हैं और उसके बाद उसकी आगे प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती ठीक है मतलब उसको आगे हीट देने की या गर्मी देने की आवश्यकता नहीं होती ब्लांचिंग फ्रेश वेजिटेबल आल्सो इन्वॉल्व हीटिंग दैम फॉर सम टाइम्स एट अराउंड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बिफोर फ्रीजिंग और ड्राइंग दैम ब्लांचिंग uh, आपने पहले भी पढ़ा है अपने पीछे वाले में जो प्रिंसिपल्स थे उसमें मैंने ब्लांचिंग के बारे में ढंग से बताया था कि होती क्या है और इसके क्या फंक्शन है मतलब क्या क्या ये होता है इससे फलों के जहाँ अपने जब ब्लांचिंग करते हैं कहाँ पे ब्लांचिंग करते हैं ज़्यादातर कैनिंग के अंदर करते हैं तो ब्लांचिंग क्या होती है हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है पहले प्रोडक्ट को उबाला जाता है जिससे क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाता है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं उसमें जो एस्ट्रीजन टेस्ट होता है वो निकल जाता है ठीक है बहुत से और भी लाभ हैं ब्लांचिंग करने के जो सब्जियाँ होती हैं उनमें पहले ब्लांचिंग करते हैं ठीक है एक हीट के ऊपर लगभग हंड्रेड डिग्री सेल्सियस उसके बाद उनको फ्रीज किया जाता है या जा फिर ये कह लो कि ड्राई किया जाता है सुखाया जाता है मतलब फ्रीजिंग या फिर ड्राइंग करने से पहले जो ताजी सब्जियां होती हैं उनकी ब्लांचिंग लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर की जाती है ठीक है फिर उसके बाद है स्टरलाइजेशन तीसरा मेथड अबाउट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस sterilization कह लो ठीक है निर्जलीकरण कह लो सॉरी निर्जमीकरण कह लो निर्जमीकरण और स्ट्रलाइजेशन तो इसमें क्या होता है कि एक तरीके से कह लो जितने भी रोगाणु होते हैं या जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सबको मार दिया जाता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाता है और ज़्यादातर ये मेथड जो है Uh, सब्जियों के लिए किया जाता है जहाँ कह लो कि नॉन एसिटिक फूड होता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है जहाँ कह लो कि एल्केलाइन होता है जो ठीक है उसके लिए इन दिस मेथड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इस विधि के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको पूरे तरीके से uh, मार दिया जाता है अब ज़्यादा तापमान के कारण मतलब मर जाते हैं जो ज़्यादा तापमान के कारण उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है अबब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस रहता है तो ज़्यादातर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं द टाइम एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्टेलाइजेशन वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड जो टाइम है स्टर्लाइजेशन का और उसमें जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो अ, अलग अलग होता है जो फूड का टाइप है उसके हिसाब से किसी फल सब्जी का अलग होगा स्टर्लाइजेशन टाइम किसी फूड का अलग होगा टेम्परेचर प्रेशर कुकर एंड और इस इतना तापमान क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लग जाता है उसके बाद वाष्प में तब्दील हो जाता है तो इतना ज्यादा जो तापमान है ताप इसको अचीव करने के लिए एक प्रेशर जो स्टीम प्रेशर भाप का जो कह लो कि प्रेशर वाले जो इक्विपमेंट uh, होते हैं स्टेलाइज़र होते हैं उनका यूज़ किया जाता है जैसे प्रेशर कुकर होता है इसके अंदर भी तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है या जा फिर ऑटो क्लैब होता है uh, जहाँ पे अपने कई बार आपने पढ़ा होगा जो पैथो की लैब है या फिर कुछ लैबों के अंदर uh, जहाँ फिर हॉर्टिकल्चर की जो लैब है उसके अंदर फूड को या फिर जो कंटेनर्स होते हैं उनको स्टेलाइज करने के लिए यूज किया जाता है ऑटो क्लैब छोटा सा तो आपने देखा हुआ होगा लैब के अंदर इसके अलावा कुछ बड़े बड़े ऑटो क्लैब्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज uh, होती हैं फूड इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर रखे हुए रहते हैं बड़े बड़े होते हैं ठीक है उसके अंदर फूड बहुत मात्रा में फूड आ जाता है फिर उसका स्टेलाइज स्टिलाइजेशन किया जाता है फ्रूट एंड टोमेटो प्रोडक्ट शुड बी हीटेड एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट और फ्रूट और जो टोमेटो प्रोडक्ट होते हैं मतलब मान लो कि फल हैं या फिर जो टमाटर है क्योंकि ये दोनों एसिटिक हैं ये आ, इनको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक स्टेलाइज किया जाता है सो दैट द बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग स्पोर सेंसिटिव टू हाई एसिड हाई एसिडिटी कैन बी कम्प्लीटली किल इससे क्या होता है कि भाई इस, त, तीस डिग्री पे किया जाता है जिससे क्या होता है कि जो स्पोर प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई एसिडिटी ज़्यादा अमलता कह लो अमलता से सेंसिटिव होते हैं वो पूरे तरीके से जब पूरी तरह से मर जाती हैं इतने तापमान पर ही सौ डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 तीस डिग्री तीस मिनट तक उसको अगर बॉयल करते हैं सौ डिग्री सेल्सियस पर तीस मिनट तक गर्म करते हैं तो सारे के सारे जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोर्ट प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं वेजिटेबल्स सच एज ग्रीन पीज ओकरा बीन्स एक्सेट्रा बींग एल्केलाइन और नॉन एसिटिक एंड कंटेनिंग मोर स्टार्ज दैन शुगर रिक्वायर हाई टेम्परेचर टू किल दस पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म जो वेजिटेबल्स हैं सब्जियाँ हैं जैसे हरे मटर हैं भिंडी है या फिर बीन्स हैं ये सभी एल्केलाइन होते हैं शारिया होते हैं कह लो एक तरीके से और नॉन एसिटिक जहाँ अमलिया नहीं होते और इसमें जो शुगर की तुलना में स्टार्च ज़्यादा होता है इनके अंदर मिठास कम होती है मतलब स्टार्च ज़्यादा होता है और इनको इनके अंदर जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मारने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है मतलब जिस फ्रूट और टमाटो के लिए तो मैंने बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक रखा जाता है पर जो सब्जियां होती हैं जो एल्केलाइन नेचर की होती हैं उनके अंदर टेम्परेचर uh, ज़्यादा रखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए क्योंकि उसमें एसिडिटी acid, uh, नहीं होती उसमें एसिड नहीं होते कि जो उनको मार देंगे दैट इज़ वाई कंटिन्यूस हीटिंग एट 116 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 टू 90 मिनट इज नेसेसरी फॉर देयर स्टर्लाइजेशन इसीलिए लगातार 116 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 से 90 मिनट तक uh, उसको आवश्यक होते हैं उनके स्टर्लाइजेशन के लिए ठीक है बिफोर यूज एम्प्टी कैन एंड बोटल शुड ऑल्सो भी स्टलाइज बाई प्लेसिंग दैम इन बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट थर्टी मिनट्स इसके अलावा जो भी अपने यूज करते हैं कंटेनर हैं कोई भी खाली uh, उसके टीन के कैन हैं उनको भी uh, पैक करने से पहले उनके अंदर मस, uh, अपना जो भी मटेरियल डालना है ठीक है फूड मटेरियल डालना है उससे पहले उनको भी स्ट्रलाइज कर लेना चाहिए ये एक इंडस्ट्रियल ऑटोक्लेव uh, है जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा ठीक है कुछ इतने बड़े बड़े ऑटोक्लेव होते हैं फिर है डिफरेंस बिटवीन पास्चुराइजेशन एंड स्टेलाइजेशन क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है वैसे तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने इसी स्ट्राइजेशन uh, के अंदर ही सारा कुछ बता दिया है तो पास्चुराइजेशन और स्ट्रलाइजेशन दो अलग अलग चीजें हैं पार्शोराइजेशन के अंदर पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है इसलिए इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पूरी तरीके से या फिर अधिकांश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही डिस्ट्रक्शन होता है उनको ही मारता है जबकि स्ट्रलाइजेशन किया कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टरलाइजेशन के अंदर जो निर्जलीकरण है उसके अंदर जो पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है फिर दूसरा इसका डिफरेंस है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस इसमें जो तापमान है का वो लगभग 60 से 70 इतना ही रखा जाता है इससे ज्यादा नहीं रखते ठीक है जैसे दूध के अंदर मैंने बताया था और स्ट्राइजेशन के अंदर टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड अब जो स्टरलाइजेशन है इसमें तापमान ज्यादा सौ डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा रखा जाता है जैसे अभी सब्जियों के अंदर एक डिग्री सेल्सियस रखा जाता है वैसे ही इसका जो है, यूज है पास्चुराइजेशन का नॉर्मली यूज फॉर फ्रूट्स और एसीटिक फूड ये लिख सकते हो ठीक है फलों के लिए या फिर जो एसिडिक फूड होता है उसके लिए पास्चुराइजेशन यूज किया जाता है और जबकि जो सब्जियां होती हैं या फिर जो एल्केलाइन नॉन एसिडिक फूड होता है उसके लिए स्टरलाइजेशन मतलब यूज किया जाता है लगभग 100 डिग्री अबब 100 डिग्री सेल्सियस मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर उनको स्टरलाइज किया जाता है ठीक है ये इनमें मेन तीन डिफरेंस थे फिर दूसरा मेथड है प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर कम तापमान से uh, पर परिरक्षण करना लो टेम्परेचर बीट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एंजाइम रिएक्शन सच एज सच एज इट इनिबीट केमिकल रिएक्शन बट दिस इज नॉट ए परमानेंट मैथड ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इवन एट लो टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर है जे ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उनकी ग्रोथ को इनिबीट कर देता है इनिबीट मतलब एक तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन नहीं होता खत्म नहीं होते हाँ उनकी ग्रोथ को उनकी वृद्धि को स्लो कर देता है ठीक है जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं उनको भी स्लो कर देता है ठीक है जिस क्यों क्योंकि उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको भी ये क्योंकि ये उनको भी इनहिबिट करता है इसलिए एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होती हैं एंजाइम जो भी चेंज करते हैं उस चीज जो प्रोसेस होती है फल की डिकम्पोजिशन की सेल्फ डिकम्पोजिशन की उसको वो जो स्लो कर देता है ठीक है पर ये एक परमानेंट मेथड नहीं है एक स्थायी विधि नहीं है परिरक्षण की क्योंकि इस इतने तापमान पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं इसने टेम्परेचर पे भी वो कह लो कि सर्वाइव कर जाते हैं वो मरते नहीं हैं वो जिंदा रहते हैं और वृद्धि उनकी स्लो हो जाती है ग्रोथ स्लो हो जाती है ठीक है फिर इसमें दो मेथड बताए थे एक तो रेफ्रिजरेशन एक मैंने फ्रीजिंग पहला है रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटेड और चिलिंग जो होती है ये जीरो से पाँच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की होती है माइनस नहीं है याद रखना जीरो से पाँच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसा अपना फ्रिज के अंदर नीचे का तापमान रहता है फ्रीजर का नहीं कह रहा नीचे का तापमान रहता है कुछ वैसा ही द चिलिंग टेम्परेचर इज मेंटेन्ड थ्रो आइस और मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन जो टिल चिलिंग टेम्परेचर है एक ठंडा करने वाला जो तापमान है वो जहाँ तो बर्फ के द्वारा या फिर जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके थ्रू मेंटेन किया जाता है इतने तापमान को ठीक है जैसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर ए लगे हुए रहते हैं ठंडा करने के लिए वैसा ही कुछ मोस्ट पैरिशेबल फूड इंक्लूडिंग एग्स डेयरी प्रोडक्ट्स मीट सी फूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी स्टोर्ड इन चिलिंग स्टोरेज और फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम विद लिटल चेंज फ्रॉम देयर ओरिजिनल कंडीशन उनकी जो ओरिजिनल कंडीशन है उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए जो अंडे हैं डेयरी प्रोडक्ट हैं ठीक है जैसे दूध दही ठीक है ऐसे या फिर जो मीट या फिर जो समुद्री भोजन होता है फूड होता है फिश और ऐसी या फिर जो सब्जियां हैं या फल हैं इनको स्टोर किया जाता है भंडारित किया जाता है जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं या चिल्ड स्टोर स्टोरेज होते हैं वहाँ पे मतलब जहाँ पे एकदम से ठंडा तापमान रहता है जमता नहीं है ठंडा तापमान रहता है जीरो से पाँच डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है ऐसे स्टोर के अंदर इनको कुछ टाइम तक उनके जो नेचुरल स्टेट होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके उनको रखा जाता है ठीक है एंजाइमेटिक एंड माइक्रोबियल चेंजेस इन फूड कैन नॉट बी स्टॉप बट आर सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन जो एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल चेंजेस होते हैं मतलब उसमें जो एंजाइम होते हैं जैसे कोई स्टार्च को कन्वर्ट हो रहा है शुगर के अंदर या फिर कोई और चेंज हो रहा है पैक्टीन है वो लेस पैक्टीन या कह लो कि पैक्टीन डिजॉल्व हो रहा है ऐसे जो चेंज है या फिर जो माइक्रोबियल चेंजेस होते हैं जैसे माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं जो ग्रोथ करते हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं गलाते हैं फूड को वो पूरे तरीके से जहाँ कह लो कि वो स्टॉप नहीं होते इस तापन पे वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होते हाँ पर उनकी जो प्रोसेस होती है वो सिग्निफिकेटली स्लो हो जाती है मतलब जो वो काम करते हैं वो तेजी से करते हैं अगर टेम्परेचर वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम है इसलिए उनकी ग्रोथ स्लो हो गई है वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं उसको डिकम्पोज कर रहे हैं ठीक है इस तापमान के ऊपर रेफ्रिजरेशन के ऊपर फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी स्टोर्ड फॉर टू टू सेवन डेज जो फल और सब्जियाँ होती हैं इस टेम्परेचर के अंदर जहाँ रेफ्रिजरेशन के अंदर दो से सात दिनों तक अपने उसको भंडारित कर सकते हैं सम लेस पेरिशेबल क्रॉप्स एज पोटैटोज एप्पल एक्सेट्रा कैन बी स्टोर फॉर वन ईयर इन कमर्शियल कोल्ड स्टोर एंड प्रॉपर वेंटिलेशन विद ऑटोमेटिक कंट्रोल टेम्परेचर जो कुछ आ, जैसे आलू है या सेब है आदि इनको अपने एक साल तक इनको जो कमर्शियल कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनके अंदर भंडारित करके रख सकते हैं जब उनके अंदर ये कह लो कि उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो यानी कि हवा आने जाने का जो सुविधा अच्छी हो इसके अलावा वो ऑटोमेटिक कंट्रोल टेम्परेचर वाले हो, मतलब उसमें जैसे ही टेम्परेचर उतना हो जाए जितना अपने को डिज़ायर हो उस फल और सब्जी के लिए उसके बाद वो कट हो जाए और जैसे ही आप उसको लगे कि टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है तो वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर अपने आसानी से उनको एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं भंडारित करके रख सकते हैं फिर है दूसरा इसी का रेफ्रिजरेटर के बाद फ्रीजिंग जिसमें टेम्परेचर माइनस एटीन डिग्री टू माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस रखा जाता है मतलब जैसे आपने सफल मटर देखे हुए होंगे मार्केट के अंदर जो मटर पैकेट के अंदर आते हैं बिल्कुल जमे हुए होते हैं वैसे ही ठीक है और भी फूड प्रोडक्ट को जमाया जाता है एट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनजाइम एक्टिविटीज रिड्यूस टू ए मिनिमम अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग जो है जीरो डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग होता है उसके नीचे का रखा जाता है पानी के जो फ्रीजिंग प्वाइंट है उससे नीचे रखा जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं एक्टिविटीज होती हैं वो उनको कम से कम किया जा सकता है ये कह लो कि उनको जितनी भी उसको कम किया जा सकता है ना उतना कम किया जाता है किया जा सकता है सॉरी ठीक है हाउ एवर समाइम्स एंजाइम रिमेन एक्टिव बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस हाउ जबकि कभी कभी क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो जीरो डिग्री सेल्सियस तापमान जहाँ पे फ्रीज हो जाता है वहाँ पे भी वो एक्टिव रहते हैं इन सच ए सिचुएशन ब्लांचिंग ऑफ वेजिटेबल बिफोर फ्रीजिंग इज नेसेसरी ऐसे केस के अंदर जो ब्लांचिंग है ब्लांचिंग मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ उनको पहले सब्ज़ियों को उबाला जाता है बॉयल किया जाता है फिर उसके बाद उनको एकदम से ठंडा कर देते हैं ठीक है जैसे पास्चुराइजेशन में करते हैं पास्चराइजेशन में तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखते सत्तर डिग्री तक होता है पर ब्लांचिंग के अंदर सौ डिग्री तक उनको बॉयल करते हैं और उससे क्या होता है कि उनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं वो स्लो हो जाती हैं ठीक है फिर उसके बाद उनको फ्रीज कर दिया जाता है या जा फिर उनकी ड्राइंग कर दी जाती है डिहाइड्रेट दि कर दिया जाता है उनको तो उनसे पहले उन्हें ब्लाचिंग करते हैं या फिर कैनिंग करनी हो उससे पहले भी ब्लांचिंग करते हैं ठीक है ब्लांचिंग याद रखना ब्लांचिंग की कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है बहुत ही कॉमन सी एक डेफिनेशन है मान लो कि हर जगह पूछी जा सकती है हर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछी जाती है मोस्ट पेरिशेबल फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर सेवरल मंथ्स जो बहुत ही ज़्यादा ये कह लो कि उसकी अगर अपने ब्लांचिंग कर देते हैं तो जो सबसे ज़्यादा कह लो कि ख़राब होने वाला फूड होता है उसको कई महीनों तक उसको प्रिजर्व किया जा सकता है परिरक्षित किया जा सकता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स जूसेज एंड मीटी फूड्स पोल्ट्री फिश एंड सी फूड कैन बी प्रिजर्व इन दिस मैथड और इस मैथड के द्वारा जो सब्जियाँ हैं या फिर जूस है या फिर जो मीट वाला फूड है भोजन है जैसे पोल्ट्री का है या फिश मछली है या फिर सी फूड है इनको प्रिजर्व किया जाता है इस मेथड के द्वारा फ्रीजिंग के द्वारा किया जाता है ठीक है टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रंट द फ्रीजर्स जहाँ फिर कह लो कि फ्रीजिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स मतलब फ्रीजिंग होती है उसको आ, आगे तीन चार वैसे तो कैटेगरी किसी किसी किताब के अंदर तीन चार के अंदर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बस याद रखना वैसे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है एक तो स्लो फ्रीजिंग होती है और एक क्विक फ्रीजिंग होती है और इनमें डिफ्रेंस भी पूछा जा सकता है ठीक है स्लो फ्रीजिंग क्या होती है इसके अंदर जो आइस फॉर्मेशन की रेट होती है बहुत ही स्लो होती है जो कि 0.2 सेंटीमीटर पर हॉर्स पर प्रति घंटा के आसपास होती है मतलब जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर इतनी स्पीड स्लो स्पीड होती है मतलब बर्फ जमने की स्पीड है ये तो इसके लिए जो यूज किए जाते हैं आपके फ्रीजर वो हैं फिक्स एयर फ्रीजर होते हैं या फिर कोल्ड स्टोर होते हैं उनको यूज किया जाता है इस तापमान पर धीरे धीरे जमाने के लिए स्लो फ्रीजिंग आर्सो किल सम माइक्रोबीज एंड फॉर्म लार्ज आइस क्रिस्टल दैट कॉज मैकेनिकल डैमेज टू सेल जो स्लो फ्रीजिंग होती है इसके अंदर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं पूरी तरह से नहीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल भी हो जाते हैं इतने तापमान के ऊपर कम तापमान से अपने उसको बर्फ जमा दें किसी भी चीज की तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज मर जाते हैं और इसके अंदर जो आइस के क्रिस्टल बनते हैं मतलब पानी जुड़ता है जो वो बड़े बनते हैं और इससे जो कोशिकाएं होती हैं फल और सब्जियों क्योंकि वो एक जिंदा कोशिकाएं होती हैं अपने उनको जम जमाते हैं ठीक है उनको बर्फ बना देते हैं तो Uh, जो मैकेनिकल uh, जैसे ही उनको पिघलाया जाता है ठीक है तो उनकी कोशिकाएं पंचर हो जाती हैं क्योंकि तो इसमें जो क्रिस्टल बनते हैं वो बड़े बनते हैं कोशिका के साइज जैसे मान लो किसी चीज को जमाया तो उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी उन कोशिकाओं के अंदर का जो लिक्विड होता है ठीक है जहां कह लो उसके अंदर जो पानी होता है वो भी जमता है वो धीरे धीरे जमने के कारण बड़े बड़े क्रिस्टल बना लेता है जिससे कि उसकी जो दीवारें होती हैं कोशिकाएं की कोशिकाओं की ठीक है सेल्स की वो फट जाती हैं और जैसे ही उसको थॉइंग की जाती है जहाँ कह लो कि उस बर्फ को पिघलाया जाता है और उन वो एक ऐसा लस लसा सा प्रोडक्ट पैदा हो जाता है तैयार हो जाता है जैसे मान लो कि एक अपने सेब को एक धीरे धीरे उसको फ्रिज किया जाए और उसके बाद उसकी थॉइंग की जाए याद रखना थॉइंग की भी डेफिनेशन आती है थॉइंग का मतलब होता है बर्फ को पिघलाना जो भी जमा हुआ फूड है उसको पिघलाना ठीक है थॉइंग की जाती है तो उसका क्या होता है कि पहले तो वो नॉर्मल शेप में होता है जब तक जमा हुआ है जैसे ही उसको पिघलाया वो एक ऐसे ढीला सा प्रोडक्ट हो जाएगा बिल्कुल ऐसे दबाओगे तो जैसे लस लसा सा जैसे उसमें जान ही ना हो ऐसा ही मीट के अंदर भी होता है अगर उसको स्लो फ्रीजिंग की जाती है तो उसकी फिर और दूसरे में आते हैं अपने क्विक फ्रीजिंग क्विक फ्रीजिंग क्या होती है कि द रेट ऑफ आइस फॉर्मेशन इज़ वेरी फास्ट इसके अंदर जो आइस फॉर्मेशन की दर होती है बहुत ही तेज़ होती है जो कि ज़ीरो पॉइंट फाइव टू वन हंड्रेड सेंटीमीटर पर हॉस्ट के आसपास होती है एक घंटे के अंदर लगभग लग सौ तक होती है जीरो पॉइंट फाइव से सौ तक होती है वैसे कुछ के अंदर कम भी होती है क्योंकि इसमें और भी तीन चार टाइप के ड्रायर सॉरी फ्रीजर होते हैं उनको यूज़ किया जाता है जैसे एयर ब्लास्ट है प्लेट फ्रीजर है फ्लूलाइज्ड बेड फ्रीजर हैं या फिर क्रायोजेनिक फ्रीजर होते हैं जहाँ कह लो कि एक तरीके से लिक्विड नाइट्रोजन यूज की जाती है ऊपर स्प्रे किया जाता है जिससे कि प्रोडक्ट एकदम से जल्दी जल्दी जम जाता है ठीक है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको उनके अंदर इसको यूज किया जाता है इसमें किल्स आर सॉरी किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे गलत लिखा गया ठीक है माइक्रोबीज एंड मेंटेन होमोजिनिटी इन एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर वाटर एंड फॉर्म स्मॉल आइस क्रिस्टल कॉजिंग लेस damage टू सेल एंड प्रिजर्विंग नेचुरल जूसीनेस एंड फ्लेवर इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पूरे तरीके से मर जाते हैं और इसके अलावा uh, जो होमोजिनेसिटी है उसके अंदर एक्स्ट्रा जो या फिर जो इंट्रा सेलुलर पानी होता है कोशिकाओं के अंदर जो पानी होता है या फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा पानी होता है उसमें होमोजेनिटी या कह लो कि के समानता बनी रहती है और जो इसमें क्रिस्टल बनते हैं बर्फ़ के वो छोटे छोटे क्रिस्टल, छुट क्रिस्टल बनते हैं क्योंकि एकदम से जम जाता है बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं जिससे कोशिकाओं को जो सेल्स होती हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचता और जैसे ही थोइंग की जाती है प्रोडक्ट अपना फ्रेश जैसा होता है वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है जैसे मैंने पहले वाले में बताया था स्लो फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है क्रिस्टल बड़े बनते हैं जिसको उनकी कोशिकाएं पंचर हो जाती हैं जैसे कह लो कि उनमें से जैसे उसको फोड़ा जाएगा जहाँ कह लो कि उस की जाएगी पिघलाया जाएगा उसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा बह जाएगा कोशिकाएं पंचर हो जाएंगी तो उसकी जो टर्गिडिटी या कह लो कि उसकी जो कठोरता होती है ना प्रोडक्ट की वो उतनी नहीं रहेगी जबकि क्विक फ्रीजिंग के बाद उसकी अगर थोइंग करते हैं क्विक फ्रीजिंग की थी उसके बाद थोइंग करते हैं तो प्रोडक्ट जैसा रखा था वैसा का वैसा ही आपको मिलेगा ठीक है तो इसमें दोनों में ये डिफरेंस है फिर है प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग तीसरा मेथड प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग सुखान के उसका परिरक्षण करना ड्राइंग रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फूड टू ए सर्टेन लेवल एट विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग ड्राइंग से मतलब होता है जो फूड है ठीक है उसका इस लेवल तक पानी जो मॉइस्चर है या नमी है उसको हटा देना कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है वो ग्रोथ ना कर पाए उसे ड्राॅइंग कहा जाता है जैसे सूखे हुए मटर आते हैं मार्केट के अंदर क्योंकि मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ जो आपने देखे यहाँ चीज़ें ठीक है तो सूखे हुए प्रोडक्ट रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते दिस कैन बी डन इन टू वेज इसे दो तरीके से किया जा सकता है मतलब जो ड्राइंग की जाती है उसको दो तरीक़ों से किया जा सकता है इसको वैसे डिहाइड्रेशन भी कह सकते हो एक तरीके से वैसे अपने डिहाइड्रेशन का आगे लेक्चर आएगा पूरा का पूरा जब ड्राइंग जिसको जब डिहाइड्रेशन के अंदर होता क्या है वो अपने आगे पढ़ेंगे वैसे पर ड्राइंग अपने एक नॉर्मल क्योंकि अपने एक मेथड पढ़ रहे हैं कि मेथड क्या है तो इसमें क्या है पहला एप्लीकेशन ऑफ हीट हीट जो है उसका यूज करके दूसरा होता है बाइंडिंग ऑफ मॉइस्चर इन फूड जो मॉइस्चर है उसको बाइंड कर दो बांध दो जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ ना करें तो पहला है एप्लीकेशन ऑफ हीट में इसमें सन ड्राइंग की जाती है मैकेनिकल ड्राइंग की जाती है मतलब सूरज की रोशनी में कई बार अपने घरों के अंदर ट्रेडिशनल मेथड है कोई सब्जी काटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको सुखा देते हैं फिर उसके बाद जैसे उसकी ज़रूरत होती है उसको उबाल लेते हैं और सब्जी की तरह उसको यूज कर लेते हैं ठीक है काचरी होती है जैसे जिसको चुब्बड़ कह देते हैं हमारी साइड तो काचरी होती है उसको भी सुखा के माला बना के बैठे हुए होते हैं लोग तो ऐसे बहुत से फूड प्रोडक्ट को लोग सुखा के बैठ सुखा के उसको यूज करते हैं इसके अलावा मैकेनिकल ड्राइंग भी होती है मशीनों से जैसे ओवन है उसके अंदर ड्राइंग की करते हैं इसके अलावा वैक्यूम ड्राइंग भी की जाती है ये फास्ट होती है ठीक है और इसके अलावा फ्रीज ड्राइंग भी यूज होती है मतलब पहले उसको जमा दिया जाता है फिर उसके अंदर जो वाश्प होती है वो उसको वैक्यूम कर लिया जाता है जिससे प्रोडक्ट जल्दी सूख जाता है ठीक है और बाइंडिंग ऑफ मॉइस्चर इन फूड ये शुगर को यूज करके या फिर साल्ट को यूज करके किया जा सकता है नेक्स्ट जो तीसरा का मेथड है रिजर्वेशन बाय ड्राइंग यानी कि सुखाकर परिरक्षित करना और ड्राइंग क्या होती है ड्राइंग रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फूड टू ए सर्टेन लेवल एट विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग दिस कैन बी डन इन टू वेज जो ड्राइंग की होती है ड्राइंग से मतलब होता है सुखाना जैसे जो मॉइस्चर है उसके अंदर उसको इस लेवल तक कम कर देना कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो ना कर पाएँ उसमें वो पन पना सके, ठीक है तो इस लेवल तक उस फूड के मॉइस्चर को कम करना वो ड्राइंग कहलाती है दिस कैन बी डन इन टू वेज इसे दो तरीकों से किया जा सकता है जो ड्राइंग होती है दो तरीके से होती है मतलब ड्राइंग से मतलब एक तो कह लो कि उसमें से मॉइस्चर हटा देना दूसरा होता है उस मॉइस्चर को एक तरीके से अनुपलब्ध बना देना कि भाई वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिल ना पाए ठीक है तो पहला है एप्लीकेशन ऑफ हीट ठीक है एप्लीकेशन ऑफ हीट हीट देकर मॉइस्चर को उड़ा देना ड्राई कर देना ठीक है सुखा देना दूसरा है बाइंडिंग ऑफ मॉइस्चर इन फूड बाइंडिंग से मतलब मॉइस्चर जब जो भी नमी है उसको बांध देना जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहुंच तक ना पहुंचे ना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस मॉइस्चर को यूज ना कर पाए ठीक है तो जो पहला है इसमें अपने सन ड्राइंग मैकेनिकल ड्राइंग वैक्यूम ड्राइंग फ्रिज ड्राइंग अभी आगे वाले में पढ़ेंगे और जो दूसरा अपना है बाइंडिंग ऑफ मॉइस्चर इन फूड इसमें यूज ऑफ शुगर और यूज ऑफ साल्ट ये अपने आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रिजर्वेशन के अंदर ठीक है तो पहले अपने इनको कर लेते हैं कवर सन ड्राइंग को तो एप्लीकेशन ऑफ हीट सन ड्राइंग सन ड्राइंग कैसे होती है एक प्राचीन uh, जो अपने घरों के अंदर भी होता है कि लेडीज़ जो होती हैं घर के ग्रहणियाँ होती हैं वो फूड को काट कर उसके छोटे चोट छोटे टुकड़े करके या फिर उसकी स्लाइस करके उसको धूप के अंदर रख देती हैं लगभग एक या दो दिन में वो सूख जाते हैं ठीक है बाद में उसको स्टोर करके जहाँ पे नमी ना हो ऐसी जगह पे ड्राई जगह पे उसको स्टोर कर लेते हैं फिर जैसे ही अपने को उस चीज़ की या सब्जी की ज़रूरत होती है बनानी होती है ऑफ सीज़न के अंदर तो उसको यूज़ कर लेते हैं ठीक है जैसे अपने मार्केट में मटर आते हैं मटर सूखे हुए मटर आते हैं उसमें भी क्या होता है कि मॉइस्चर को इस लेवल तक कम कर दिया जाता है कि उसमें कोई माइक्रोविवस जो है सूक्ष्म जीव है वो उसमें पनपना सके ठीक है तो अपने अभी सन ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं सन ड्राइंग एक ट्रेडिशनल मेथड है पुरानी विधि है सन ड्राइंग इज द मेथड इन विच फूड इज एक्सपोज्ड टू तो डायरेक्ट सनलाइट सन ड्राइंग एक ऐसी विधि है जिसमें जो भोजन होता है उसको सीधा सूरज के संपर्क में रखा जाता है या सीधा सूरज की रोशनी में या धूप में रखा जाता है इट इज़ यूजली परफॉर्म्ड इन पैलेस वेयर सफिशिएंट सफिशेंट सनलाइट इज़ अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड सच एज राजस्थान द प्रोडक्ट ड्राइड इन दिस मैथड इज लो इन क्वालिटी जनरली जो होता है कि इस uh, जो ड्राइंग सन ड्राइंग है सन ड्राइंग के लिए ये कह लो कि एक लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ कह लो कि जगह ऐसी होनी चाहिए जैसे राजस्थान के अंदर गर्मी ज़्यादा पड़ती है धूप हमेशा ज़्यादातर धूप पड़ी रहती है और मौसम भी शुष्क रहता है ठीक है ड्राई रहता है और वहाँ पे ये जो अपना मेथड है अच्छा वर्क करता है मतलब वहाँ पर सन ड्राइंग करते हैं तो फूड की सन ड्राइंग हो जाती है जबकि कुछ जो एरिया है जैसे साउथ के अंदर थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है धूप थोड़ी कम रहती है तो उन क्षेत्रों में ये अच्छी विधि नहीं है और दूसरा इसमें जो क्वालिटी बनती है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं होती कारण कि जो प्रोडक्ट होता है एक तो धूप में कई दिन पड़ा रहता है कि भाई ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में ही सूख जाएगा तो उसको मॉइस्चर को उस लेवल तक लेके जाना जिस तक कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस तक ग्रोथ ना करे तो धूप में रखना पड़ता है उतने दिन तो धूप में रखते हैं तो धूप के कारण उसमें जो कालापन कई बार क्या होता है कि आ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसी टाइम जैसे उसको काट के रखा उसमें ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है उसके कारण वो ब्लैक हो जाता है धूप के कारण ठीक है और जहाँ फिर ये कह लो कि उसके अंदर जैसे अपने खुले में रखेंगे उनको तो उसमें धूल मिट्टी भी पड़ेगी जिसके कारण उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो लो होती है मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सन ड्राइंग से नहीं होता हाँ घरेलू अपने जो रहता है घरों के अंदर वो ज़्यादातर सन ड्राइंग की जाती है क्योंकि बड़े बड़े इतने इक्विपमेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर है सेकंड मैकेनिकल ड्राइंग मैकेनिकल ड्राइंग क्या होती है इसमें कह लो कि जैसे ओवन है ठीक है बड़े बड़े ओवन के अंदर ड्राइंग की जाती है इसमें प्लेट लगी हुई रहती हैं ओवन के अंदर तो अलग अलग प्लेट के अंदर सब्जियों को काट कर उनको रख दिया जाता है और उनमें से जो पानी होता है मॉइस्चर होता है वो ओवन धीरे धीरे सुखा देता है तो इट इज़ ए मेथड ऑफ़ ड्राइंग वेयर फूड आइटम्स आर ड्राइड यूजली हीट बाय मैकेनिकल ड्रायर्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड एयरफ्लो ये कह लो कि इस ड्राइंग के विधि के अंदर मैकेनिकल uh, ड्रायर का यूज़ किया जाता है जहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है जो आदरता होती है और जो एयर फ्लो होता है हवा का जो प्रवाह होता है उसको कंट्रोल किया जाता है कि तापमान भी उसमें कंट्रोल रखा जाता है ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा तापमान कर दो जल्दी जल्दी सूख जाएगा ऐसा नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को सुखाने के लिए उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए एक निश्चित तापमान पर ही उसको सुखाया जाता है और ह्यूमिडिटी का भी ध्यान रखा जाता है कि भाई कितने परसेंट उसमें ह्यूमिडिटी रहे ठीक है बनी रहे और उसमें एयर फ्लो जो हवा का प्रवाह है वो भी उसी हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि इतनी तेज़ी से उसमें हवा का प्रवाह हो और उस हिसाब से वो हवा बाहर निकलती रहे ठीक है मतलब हर चीज़ उसमें कंट्रोल रखी जाती है तो मैकेनिकल ड्राइंग से जो भी प्रोडक्ट बनता है ज़्यादातर सुपीरियर क्वालिटी का होता है ऐसे नहीं कि जैसे सन ड्राइंग के अंदर होता है तो इसमें तो अपने एक तो टाइम भी कम लगता है जरूर ये कॉस्टली है क्योंकि इक्विपमेंट लाना पड़ता है उसमें सनड्राइव में कुछ भी नहीं लाना पड़ता हाँ ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पर हाँ इसमें क्वालिटी थोड़ी अच्छी बनती है प्रोडक्ट की फिर है वैक्यूम ड्राइंग वैक्यूम ड्राइंग इसमें भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है ठीक है द टेम्परेचर ऑफ द फूड एंड द रेट ऑफ वाटर रिमूवल आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ वैक्यूम एंड द इंटेंसिटी ऑफ हीट इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है भोजन को देना है जब फिर उसमें से पानी को किस धर से निकालना है रिमूव करना है हटाना है वो सारी की सारी चीज़ें एक आ, कंट्रोल की जाती हैं कंट्रोल कैसे की जाती हैं एक तो वैक्यूम का जो लेवल है वैक्यूम होता है निर्वात पैदा करना जैसे कह लो आ, किसी एक डिब्बे में से हवा को खींचना हो बाहर ठीक है उसमें निर्वात पैदा करना हो हवा को अपने बाहर निकाल लो डिब्बा पिचक जाता है वैसे ही इसमें से जो मॉइस्चर होता है फूड के अंदर से उसमें हीट भी दी जाती है नीचे से और उसके मॉइस्चर को खींचा भी जाता है कि भाई जल्दी जल्दी वो प्रोडक्ट सूख जाए इसके लिए बड़े बड़े वैक्यूम ड्रायर की यूज़ किया जाते हैं जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक ठीक है आ, इसमें क्या होता है कि एक साइड तो नीचे से जैसे ओवन है वैसा ही बना हुआ है कि ओवन की तरह ये फूड गर्म भी कर रहा है हीट कर रहा है और साथ में जो मॉइस्चर निकल रहा है उसको खींचा जा रहा है बाहर वैक्यूम किया जा रहा है निकाला जा रहा है ठीक है तीसरा है फ्रिज ड्राइंग फ्रिज ड्राइंग क्या होती है सेम थोड़ा सा मिलता जुलता सा मेथड है जो हमें अपने में पढ़ा है इसके सेम वैसा ही है इसमें भी वैक्यूम यूज़ किया जाता है इन दिस मेथड द फूड इज ड्राइड बाय समलीमेशन दैट इज द फूड इज़ प्लेस्ड इन ए ड्राइंग चैम्बर थ्रू द हीट विद अ वैक्यूम विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इन दिस मैथड द प्रोडक्ट इज़ फर्स्ट फ्रोजन देन द वाटर इज रिमूव बाय वैक्यूम एंड हीट इज़ आल्सो यूज विच इज स्टिन्यूनेसली इन द सेम चैम्बर इस विधि के अंदर क्या होता है कि जो सब्लिमेशन की प्रक्रिया है सब्लिमेशन कह लो कि जो भी ठोस होता है ठीक है सॉलिड होता है, वो बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए सीधा वैक्यूम के अंदर या कह लो आ, वैक्यूम तो नहीं आ, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है, है? मतलब गैसियस फॉर्म में आ जाता है सीधा जो ठोस है वो बिना लिक्विड में बदले हुए जो तीसरी स्टेट रहती है गैस के अंदर तब्दील हो जाता है ठीक है उसे सब्लिमेशन कहते हैं मतलब उस विधि से इसको ड्राई किया जाता है फूड को फूड को पहले क्या कहता है जहां पे हीट और वैक्यूम दोनों दिए जाते हैं उसे मतलब हीट भी देते हैं गर्मी भी देते हैं जैसे पीछे वाले में मैंने कहा था बताया था आपको उसमें हीट भी दी जाती है और वैक्यूम भी दिया जाता है इसमें क्या होता है कि जो फूड होता है वो बिना लिक्विड फॉर्म यानी कि पानी वाली अवस्था में बदले हुए सूखता है इस मेथड के अंदर फूड को पहले फ्रोजन किया जाता है जमाया जाता है मतलब उसको पहले फ्रिज के अंदर रख देते हैं एक तरीके से कह लो कि इसमें फ्रिज वाला काम भी होता है एक तरीके से वो जम जाता है फिर उसके बाद जो वाटर होता है उसे रिमूव किया जाता है वैक्यूम के थ्रू वैक्यूम से उसके अंदर से जो एक एक खींच लिया चैंबर भाप भी दी जाती है जहां कह लो ताप दिया जाता है गर्मी दी जाती है ठीक है पहले जमा दिया बाद में उसको ताप दिया जाता है और वैक्यूम वाला काम दोनों एक साथ चलते रहते हैं भाई नीचे से उसको पिघलाते रहते हैं और जो पिघलना जो है पिघलने वाली प्रोसेस के बिना ही जो पानी होता है वो वैक्यूम होता रहता है बाहर खींचता रहता है ठीक है फ्रिज ड्राइंग के अंदर ऐसा होता है फिर है प्रिजर्वेशन बाय फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन निष्पंदन कह लो जहाँ छानना कह लो एक तरीके से छानने के द्वारा परिरक्षण करना छानना कैसे करते हैं ये बताता हूँ मैं फिल्ट्रेशन इज़ द ओनली सक्सेसफुल मेथड फॉर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जहाँ कह लो ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूज इज क्लियरली लिमिटेड टू लिक्विड्स फिल्ट्रेशन कह लो एक एक ऐसी कह लो कि सफल विधि है जिसमें सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव होते हैं वो रिमूव uh, हो जाते हैं हट जाते हैं और पर ये लिमिटेड होता है जो लिक्विड फूड होता है उसके लिए जैसे जूस है बियर है वाइन है उनके लिए लिक्विड लिक्विड फॉर्म के जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उनके लिए लिमिटेड होता है मतलब उनके लिए ही यूज़ किया जा सकता है जो ठोस फूड होते हैं उनके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता मतलब लिमिटेड यूज़ होता है इसका फिल्ट्रेशन मेथड का आप सबके लिए यूज़ नहीं कर सकते हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन तो उसी का कर सकते हो मतलब उसी को छान सकते हो जो लिक्विड फॉर्म में होगा ठीक है तो द लिक्विड इज फिल्टर थ्रू ए प्री बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो लिक्विड होता है उसे एक पहले से कह लो कि निर्जमीकृत किए हुए ठीक है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू एक उसको फिल्टर किया जाता है उसको छाना जाता है ठीक है अब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कैसे होते हैं आपने आर देखा हुआ होगा दूसरे भी कई फ़िल्टर सिंपल फिल्टर भी देखे होंगे जिसमें यू एफ या कुछ ऐसी मेम्ब्रेन लगी हुई रहती हैं तो बस ये मान लो कि वैसा ही एक फ़िल्टर है ठीक है जिसमें अपने आपने जो जूस है या फिर आपका जो बियर है जहाँ जिसको भी आपको छानना है प्रोडक्ट डाल दिया और धीरे धीरे प्रेशर के साथ कह लो कई बार तो क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट को अंदर मोटर लगी हुई रहती है जैसे अपने आर के अंदर लगी हुई रहती है वो पानी को धकेलती है और आगे वो छन के निकलता जाता है और कई कई बार क्या होता है कि कुछ जो बिना इन लाइन के होते हैं या लाइट बिना विदाउट लाइट वाले होते हैं जिसमें विवाह मेम्ब्रेन तो होती है तो उसमें क्या होता है कि वो प्रेशर जो ऊपर पानी का धीरे धीरे पड़ता है उसके थ्रू धीरे धीरे सिप सिप करते हुए इकट्ठे होते रहते हैं ठीक है तो अब जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है वो सेंटर्ड ग्लास का बना हुआ रहता है ठीक है एक तरीके का कह लो कि कांच जहाँ कह लो कि डायटोमियस जो अर्थ होती है ठीक है डायटोमियस अर्थ कह लो कि जिसमें खरपतवार जहाँ कह लो कि एक तरीके की घास पूसी वाली मिट्टी रहती है वैसी ठीक है ऐसी मिट्टी मतलब जिससे कि उसमें रंदर बन सके ऐसे नहीं कि मिट्टी जम जाए और पानी उसके अंदर से फिल्टर ना हो भाई उसके अंदर लिक्विड निकले ना ऐसा ना हो जैसे कुछ घास फूस वाली मिट्टी से कुछ चीज बनाया हो जब फिर अनग्लेज परसिलीन अनग्लेज कह लोसिलीन जैसे चीनी मिट्टी होती है ठीक है चीनी मिट्टी के ऊपर आपने कई बार छोटा अपने इसके जो बर्तन रहते हैं वो खरीदे हुए होंगे उसके ऊपर एक चिकनी सी परत रहती है ऊपर की साइड अंदर की साइड से वो रफ होती है हमेशा तो ऊपर वाली परत ना हो ऐसी जो जिसके अंदर ऐसी चीज का बना हुआ फिल्टर होता है या फिर मैमब्रेन पैड होती है जैसे मैंने यू एफ मैमब्रेन बोल रहा हूँ ठीक है वैसी मैमब्रेन होती है या फिर ऐसा ही कोई प्रोडक्ट होता है एंड द लिक्विड इज सिप अंडर प्रेशर और विदाउट प्रेशर जिसमें से लिक्विड होता है वो धीरे धीरे रिश्ता रहता है प्रेशर के साथ या तो दबाव पड़ता है उसके ऊपर या फिर बिना दबाव के मतलब जो इक्विपमेंट है उसके अंदर फिल्टर लगे हुए रहते हैं ठीक है और ऊपर से उसमें प्रोडक्ट डाल दिया जाता है और कभी कभी तो क्या होता है कि उसमें एक मोटर भी लगी रहती है और जो फोर्स करती है उस फिल्टर में से निकलने के लिए जूस को और कभी कभी क्या होता है कि बस ऊपर से डाल दिया और धीरे धीरे वो एक एक बूंद बूंद करके वो नीचे नीचे वाले जो लगा हुआ रहता है उसके डिब्बा या फिर कह लो कि एक पात्र जिसमें इकट्ठा होता रहता है वो जूस या फिर जो बियर है ठीक है छन कर तो दिस मेथड इज सक्सेसफुल सक्सेसफुली यूज फॉर फ्रूट जूसेज बियर सॉफ्ट ड्रिंकज वाइन एंड वाटर और जो ये विधि है ज़्यादातर सफलतापूर्वक जो फल जूस होते हैं बियर है या फिर सॉफ्ट ड्रिंकेस होती हैं या फिर वाइन है उसके लिए या फिर जो पानी कह लो उसके लिए ये सफलतापूर्वक इसको यूज़ किया जाता है इस विधि को फिल्ट्रेशन को ठीक है अब फिल्टर मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे होते हैं ठीक है िन परसिलिन के जो बने हुए रहते हैं चीनी मिट्टी के आपने स्टील वाला बड़ा फिल्टर देखा हुआ होगा घरों के अंदर कई बार खरीद लाते थे पहले चलता था अब तो नहीं चलता अब तो ज्यादातर आर ले आते हैं लोग तो उसमें क्या होता है कि जो उसके कैंडल होते हैं वो इसी तरीके की प्रोडक्ट के बने हुए रहते हैं ऊपर से वो घिसते रहते हैं ठीक है इस तरीके के बने हुए रहते हैं और उसके अंदर एक, एक एक्टिवेटेड कार्बन होता है कार्बन होता है कह लो कोयला होता है ठीक है तो पानी पहले उसमें जैसे अभी दिखाया हुआ है पहली पहली पिक्चर के अंदर कि भाई ऊपर से पानी उसमें भर देते हैं धीरे नीचे धीरे धीरे बिना प्रेशर के धीरे धीरे सिप सिप करके बूंद बूंद करके नीचे वाला जो डिब्बा रहता है वो भर जाता है कुछ ऐसे ही होते हैं जो बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन के अंदर ऐसे ही करते हैं ये समझ लो ठीक है फिल्ट्रेशन के अंदर इस तरीके से जो फलों का रस होता है बियर है या सॉफ्ट ड्रिंक है उसको छाना जाता है कभी कभी क्या होता है कि मोटर लगी हुई रहती है एक साइड और इस फिल्टर में से प्रेशर दे के उसमें से गुजारा जाता है कि जल्दी जल्दी छन जाए बड़ी जगहों पे कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई धीरे धीरे वो छन जाए तो वो प्रेशर के साथ छानते हैं जिससे कि जल्दी छन वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो जो भी अपने विधियाँ रह गई हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इसका पार्ट सेकेंड होगा फोर्टीन लेक्चर का उसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा उस वीडियो को भी मैं इस वीडियो के एक या दो दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा थैंक यू